हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम करेंगे चैप्टर 2 एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स की सभी एक्टिविटीज़ को सोल्व। एक्टिविटीज़ के सभी सॉल्यूशन आपको डिटेल में मिलेंगे। तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप हमारी सभी वीडियोज़ के बारे में अपडेट रह सकें। तो चलिए सबसे पहले करते हैं हमारी एक्टिविटी 2.1। तो चलिए देखते हैं हमें एक्टिविटी 2.1 में करना क्या है। यहाँ हमें बोला गया है कि हमें साइंस लेबोरेटरी से कुछ सैंपल्स इकट्ठा करने हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड के, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, एसिटिक एसिड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और अमोनियम हाइड्रोक्साइड के। फिर इन सभी सॉल्यूशंस को हमें रिएक्ट करवाना है रेड लिटमस पेपर, ब्लू लिटमस पेपर, फिनोफ्थलीन एंड मिथाइल ऑरेंज सॉल्यूशन से, और अपनी ऑब्जर्वेशंस को नोट करना है। तो चलिए ऑब्जर्वेशन को हमें इस टेबल में नोट करना है। तो चलिए देखते हैं क्या होंगी हमारी ऑब्जर्वेशंस। तो हम जानते हैं कि हमारा रेड लिटमस पेपर, ब्लू लिटमस पेपर, फिनोफ्थलीन और मिथाइल ऑरेंज ये सभी जो है ये हमारे एसिड बेस इंडिकेटर्स हैं जिनसे हमें पता लगता है कि जो दिया हुआ हमारा जो सॉल्यूशन है वो एसिडिक है या बेसिक मीडियम है। तो जो हमारा रेड लिटमस पेपर है ये होता है रेड कलर का, लेकिन जब ये किसी एसिड के कॉन्टैक्ट में आता है तो इसके कलर पे कोई इफेक्ट नहीं होता, ये रेड का रेड ही रहता है, इसके कलर में कोई चेंजेस नहीं होते। जबकि हमारा जब रेड लिटमस पेपर किसी बेसिक मीडियम के कॉन्टैक्ट में आता है जैसे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, तो रेड लिटमस पेपर का जो कलर है वो चेंज होके ब्लू कलर का हो जाता है। उसी तरीके से जो हमारा ब्लू लिटमस पेपर है ये होता तो ब्लू कलर का है, लेकिन जब ये किसी एसिड के कॉन्टैक्ट में आता है तो इसका कलर जो है वो चेंज होके हो जाता है रेड। और अगर हमारा ब्लू लिटमस पेपर रेड हो जाए तो इसका मतलब ये है कि जो हमारा दिया हुआ जो हमारा सोल्यूशन है वो हमारा एसिडिक सोल्यूशन है। उसी तरीके से अगर हमारा ब्लू लिटमस पेपर किसी बेस के कॉन्टैक्ट में आता है जैसे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो ब्लू लिटमस पेपर ब्लू का ब्लू ही रहेगा, इसके कलर में कोई चेंजेस नहीं आएंगे। अब बात करें फिनोफ्थलीन की, तो फिनोफ्थलीन जो है ये हमारा कलरलेस लिक्विड होता है, फिनोफ्थलीन का कोई कलर नहीं होता, इसीलिए जब ये किसी एसिड के कॉन्टैक्ट में आता है, एसिड के कॉन्टैक्ट में आने पर फिनोफ्थलीन के कलर में कोई चेंजेस नहीं होते हैं। जबकि अगर हमारा फिनोफ्थलीन किसी बेसिक मीडियम के कॉन्टैक्ट में आए जैसे कि अमोनियम हाइड्रोक्साइड, तो फिनोफ्थलीन का कलर जो है वो हल्का पिंक कलर का हो जाता है किसी बेसिस के कॉन्टैक्ट में आने पे, जिससे हमें पता लगता है कि जो हमारा दिया हुआ सॉल्यूशन है वो बेसिक सॉल्यूशन है। अगर हम उसके बाद बात करें जो हमारा फोर्थ जो इंडिकेटर था मिथाइल ऑरेंज, तो मिथाइल ऑरेंज जो है ये हमारा बेसिकली ऑरेंज कलर का होता है, लेकिन यदि यह किसी एसिडिक मीडियम के कॉन्टैक्ट में आता है तो मिथाइल ऑरेंज का कलर चेंज होके रेड कलर का हो जाता है। उसी तरीके से अगर हमारा मिथाइल ऑरेंज जो है ये किसी बेसिक मीडियम के कॉन्टैक्ट में आता है तो मिथाइल ऑरेंज का कलर जो है वो ऑरेंज से चेंज होके येलो कलर का हो जाता है। अगर हमारा मिथाइल ऑरेंज येलो कलर का हो जाए तो हमें पता लग जाता है कि जो हमारा दिया हुआ जो सॉल्यूशन है वो हमारा एक बेसिक सॉल्यूशन है। तो चलिए करते हैं हमारी एक्टिविटी 2.2 में हमें क्या करना है, हमें ऑनियंस की कुछ फाइनली चॉप ऑनियन लेना है, उसे हमें कपड़े की कुछ स्ट्रिप्स के साथ प्लास्टिक बैग में पूरी रात के लिए टाई अप करके रख देना है। ऐसा करने से क्या होगा, जो ऑनियन में जो हमारा जो उसकी स्मेल होती है, ऑडर होता है, उसकी जो करेक्टरिस्टिक्स होती हैं वो हमारी कपड़े की स्ट्रिप्स पर आ जाएंगी। और अब हम इन कपड़े की स्ट्रिप्स का यूज़ कर सकते हैं एसिड और बेसिस को टेस्ट करने के लिए। तो टेस्ट करने से पहले हम क्या करेंगे, पहले हम इन स्ट्रिप्स की ऑर्डर को चेक करेंगे। क्यों चेक करेंगे, क्योंकि जो ओनियन है ओनियन की अपनी एक स्पेसिफिक ऑर्डर होती है, और जो ये ऑर्डर है ये हमारी एसिडिक ऑर्डर होती है। अब हम क्या करेंगे, हम एक स्ट्रिप पे तो डालेंगे डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक सॉल्यूशन जो कि हमारा एसिड होता है, और दूसरी स्ट्रिप पर डालेंगे डाइल्यूट सोडियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन जो कि हमारा बेसिक सॉल्यूशन होता है।
और अपनी ऑब्जर्वेशंस को नोट करेंगे, और सेम प्रोसेस हम जो हमारा सेम प्रोसेस है यही सेम प्रोसेस हम करेंगे वनीला एसेंस और क्लोव ऑयल के लिए, और उनकी ऑर्डर को भी चेक करेंगे। तो अगर हम ऐसा करते हैं तो हमें पता लगेगा कि जो हमारा ऑनियन है ये हमारा बेसिस के साथ रिएक्ट करके यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्ट करके एक ऐसा कंपाउंड बनाता है जो कि ऑडरलेस होता है, जिसकी कोई स्मेल नहीं होती। लेकिन जब हम इसको एसिड के साथ रिएक्ट कराते हैं तो ओनियन जो है ये एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करता। तो इससे पता लगता है कि जो हमारा ओनियन है इससे हम बेसिस का तो पता लगा सकते हैं कि दिया हुआ जो हमारा सॉल्यूशन है वो बेस है या नहीं, लेकिन हम इससे इस बात का पता नहीं लगा सकते कि हमारा दिया हुआ सॉल्यूशन एसिडिक है या न्यूट्रल है या नहीं। उसके बाद कलर ऑफ ओनियन, तो इस रिएक्शन का ओनियन के कलर से कोई रिलेशन नहीं है, क्योंकि इस रिएक्शन से ओनियन के कलर पर चेंज नहीं होता, सिर्फ उसकी जो ऑर्डर है। अगर हमारा जो ओनियन है वो किसी बेस के कॉन्टैक्ट में आता है तो उसकी ऑर्डर जो है, उसकी स्मेल है जो स्पेसिफिक, वो अपने आप ख़त्म हो जाती है, डिसअपियर हो जाती है किसी बेस के कॉन्टैक्ट में आने पर। और सेम ऑब्जर्वेशन हमारी होती है वनीला और क्लोव ऑयल के केस में, यानी कि हम इन तीनों ही जो हमारे सब्सटेंस हैं हम इन तीनों का ही यूज़ कर सकते हैं ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स के रूप में बेसिस की प्रेजेंस को चेक करने के लिए। ये चेक करने के लिए हमारा दिया हुआ जो सॉल्यूशन है वो बेस है या नहीं, क्योंकि अगर हमें कहीं पे दो सॉल्यूशन दिए जाएं जिनमें एक एसिडिक हो और एक न्यूट्रल हो तो हम इन ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स का यूज़ करके ये नहीं बता सकते कि दोनों में से एसिडिक कौन है या न्यूट्रल कौन है। लेकिन हाँ, अगर हमें इस एक्टिविटी की तरह एक सॉल्यूशन दिया जाए एसिडिक और एक सॉल्यूशन दिया जाए बेसिक, तो हम ये जरूर पता लगा सकते हैं कि हमारा दोनों में से दिया हुआ सॉल्यूशन बेस कौन है। तो एक्टिविटी 2.2 होती है कंप्लीट। तो चलिए अब करते हैं हमारी एक्टिविटी 2.3। तो 2.3 में हमें क्या करना है, हमें फिगर 2.1 के हिसाब से अपने अपरेटस को सेट करना है एज शोन इन फिगर 2.1। तो यहाँ हमने अपना अपरेटस सेट किया। हमें इस टेस्ट ट्यूब में 5 ml डालना है डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड और कुछ पीसेस डालने हैं जिंक ग्रैन्यूल्स के, और हमें ये बताना है कि हम जिंक ग्रैन्यूल्स की सरफेस पे क्या ऑब्जर्व करेंगे। तो जब हम जिंक ग्रैन्यूल्स और सल्फ्यूरिक एसिड को एक ही टेस्ट ट्यूब में डालेंगे तो हमें जिंक ग्रैन्यूल्स की सरफेस पर कुछ बबल्स दिखाई देंगे। ये बबल्स क्यों दिखाई देंगे, ये बबल्स इसलिए होंगे क्योंकि जो हमारा जिंक है ये एसिड्स के साथ रिएक्ट करने पर सोल्ट और हाइड्रोजन गैस बनाता है, और ये जो हाइड्रोजन गैस है ये बबल्स की फॉर्म में लिबरेट होती है, बबल्स की फॉर्म में रिलीज होती है। रिएक्शन यहाँ आपको दी हुई है नीचे, जिंक प्लस H2SO4, जिंक और सल्फ्यूरिक एसिड के रिएक्शन से बनेगा हमारा जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस। इसके बाद हमें इसी एक्टिविटी में आगे पूछा है कि इस जो गैस है उसको एक सोप सॉल्यूशन से पास आउट करो और ये बताओ कि सोप सॉल्यूशन में बबल्स क्यों फॉर्म होते हैं। तो इसका आंसर भी सेम है कि हाइड्रोजन गैस जो है वो रिलीज होती है इस रिएक्शन में, जो हमारी ये रिएक्शन हुई है जिंक और सल्फ्यूरिक एसिड की, ये हाइड्रोजन गैस बबल्स को फॉर्म करती है। ये हाइड्रोजन गैस जब सोप सॉल्यूशन से पास आउट होती है तो ये हाइड्रोजन गैस बबल की फॉर्म में लिबरेट होती है, बबल की फॉर्म में रिलीज होती है। उसके बाद इस एक्टिविटी में हमें कहा गया है कि एक जलती हुई बर्निंग कैंडल को इन बबल्स के जो हाइड्रोजन गैस से भरे हुए बबल है उनके पास लेके आओ और बताओ आपने क्या ऑब्जर्व किया। तो जब हम जलती हुई कैंडल या बर्निंग फ्लेम को इस गैस के पास लेके आते हैं तो जो हमारे बबल्स हैं या जो हमारी गैस है ये पॉप साउंड करते हुए जलना स्टार्ट कर देते हैं, इट स्टार्ट्स बर्निंग विद ए पॉप साउंड। ऐसा क्यों होता है, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो हमारी हाइड्रोजन गैस है ये काफ़ी फ्लेमेबल गैस है, ये आग के कॉन्टैक्ट में आते ही तेज़ी से आग पकड़ लेती है, तेज़ी से जलना शुरू कर देती है। तो अगर आपसे एग्जाम से पूछा जाए कि आप किस तरीके से पता लगा सकते हैं कि जो हमारी दी हुई गैस है वो हाइड्रोजन गैस है नहीं, तो आप ये जो एक्सपेरिमेंट है किसी जलती हुई कैंडल को गैस के कॉन्टैक्ट में लाना, तो अगर आप कॉन्टैक्ट में लेके जाएं और गैस जलने लगे तो इसका सीधा सा मतलब है कि जो गैस दी हुई जो हमारी गैस है वो हाइड्रोजन गैस है।
उसके बाद सेम ही एक्टिविटी में यहाँ हमें कहा गया है कि इसी एक्टिविटी को HCl, HNO3 और CH3COOH एसिटिक एसिड के साथ करो और बताओ कि क्या जो हमारी ऑब्जर्वेशंस हैं वो सभी केसेस में सेम थी या डिफरेंट थी। तो सिंपल से बता, अगर हम इस एक्टिविटी को जो हमारे हाइड्रोक्लोरिक नाइट्रिक एसिड या एसिटिक एसिड है इन सभी एसिड्स के साथ भी करेंगे तो जो हमारी ऑब्जर्वेशन है वो सभी केसेस में सेम होगी, क्योंकि जिंक हमारी मेटल है और मेटल्स जो है जब ये एसिड्स के साथ रिएक्ट करते हैं मेटल्स तो ये सोल्ट और हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करते हैं। मेटल्स एसिड के साथ रिएक्ट करने पर, जैसे इस रिएक्शन में यहाँ हमें सोल्ट मिला है जिंक सल्फेट, वैसे ही जो हमारी मेटल्स हैं ये सभी एसिड से रिएक्ट करके सोल्ट प्रोड्यूस करेंगी और प्रोड्यूस करेंगी हाइड्रोजन गैस। यानी इस लास्ट जो हमारी ऑब्जर्वेशन है इसका आंसर होगा यस, व्हेन मेटल्स रिएक्ट विद एसिड्स देन आवर ऑब्जर्वेशन इज सेम इन ऑल द केसेस। तो अब करते हैं हमारी एक्टिविटी 2.4। 2.4 में हमें क्या हुआ कहा गया है कि हमें कुछ जिंक के टुकड़े लेने हैं एक टेस्ट ट्यूब में जिंक ग्रैन्यूल्स जिंक मेटल के, और उसमें 2 ml हमें डालना है सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन, और उसके बाद हमें क्या करना है दोनों को रिएक्ट कराना है और सेम प्रोसेस करनी है हमारी एक्टिविटी 2.3 वाली, यानी कि जो गैस प्रोड्यूस होगी उसे हमें सोप सॉल्यूशन से पास आउट करवाना है और फिर हमें एक बर्निंग कैंडल को लेके जाना है गैस बबल्स तक और अपनी ऑब्जर्वेशंस को नोट करना है। तो हमारी क्या ऑब्जर्वेशन होगी इस एक्टिविटी 2.4 में, तो जैसे कि हमारी मेटल्स हमने एक्टिविटी 2.3 में किया था कि वो एसिड्स के साथ रिएक्ट करके सोल्ट और हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करती है, उसी तरीके से हमारी जो मेटल्स हैं ये बेसिस के साथ रिएक्ट करके भी सोल्ट और हाइड्रोजन गैस ही प्रोड्यूस करती हैं। यहाँ आपको रिएक्शन दी हुई है जिंक की सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ कि जिंक सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन करके जिंक ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस बनाता है। यह हमारी रिएक्शन है जिंक प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो यहाँ है सोडियम जिंकेट ऑक्साइड और हमारा ये हाइड्रोजन गैस, ये सोडियम का और जिंक का ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस। अब इस हाइड्रोजन गैस को जब हम फ्लेम के क्लोजली लेके जाएंगे या फ्लेम के पास लेके जाएंगे तो जो हमारी हाइड्रोजन गैस है ये पॉप साउंड के साथ जलना स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जो हमारी हाइड्रोजन गैस है ये काफ़ी फ्लेमेबल गैस है, तो ये फायर के कॉन्टैक्ट में आने पर काफ़ी तेज़ी से जलना स्टार्ट हो जाती है। तो एक्टिविटी 2.3 और 2.4 में हमने क्या ऑब्जर्व किया, हमने ऑब्जर्व किया कि जो हमारी मेटल्स हैं ये एसिड और बेसिस से कॉन्टैक्ट में आने पर सोल्ट और हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करती हैं। आई थिंक ये आपको नोट कर लेना चाहिए। इसके बाद करेंगे हम एक्टिविटी 2.5। तो एक्टिविटी 2.5 से पहले अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर लीजिए ताकि ये वीडियो और ज़्यादा स्टूडेंट्स तक पहुंच सके। अब करते हैं एक्टिविटी 2.5। तो देखते हैं एक्टिविटी 2.5 में हमें क्या करना है। 2.5 एक्टिविटी में हमें क्या करना है, हमें 2 test tubes लेनी है, टेस्ट ट्यूब ए एंड बी। एक टेस्ट ट्यूब में हमें डालना है सोडियम कार्बोनेट और दूसरी टेस्ट ट्यूब में हमें डालना है 0.5 gram ऑफ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। टेस्ट ट्यूब ए में सोडियम कार्बोनेट, टेस्ट ट्यूब बी में सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, और दोनों ही टेस्ट ट्यूब्स में हमें अबाउट 2 ml डालना है डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड और अपनी ऑब्जर्वेशंस को करना है नोट। तो जब हम HCl डालेंगे दोनों ही टेस्ट ट्यूब में तो कुछ इस तरीके की रिएक्शन होंगी। तो दोनों ही रिएक्शंस में सोडियम कार्बोनेट और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जब हमारे हाइड्रोक्लोरिक एसिड से रिएक्ट करेंगे तो ये बनाएंगे सोडियम क्लोराइड यानी कि सोल्ट, और दोनों ही रिएक्शन से वाटर प्रोड्यूस होगा और प्रोड्यूस होगी हमारी कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो रिएक्शन से हमें पता लग गई कि हमने क्या ऑब्जर्व करेंगे। उसके बाद इन्होंने हमें कहा है कि अगर इन केस इस रिएक्शन से कोई गैस प्रोड्यूस होती है तो उस गैस को पास करनी है हमें लाइम वाटर के थ्रू। लाइम वाटर हमारा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन होता है, और अपनी ऑब्जर्वेशंस को नोट करना है, बताना है कि लाइम वाटर के थ्रू जब हम कार्बन डाइऑक्साइड गैस को या जो भी गैस इस रिएक्शन से पास आउट होती है तो क्या होता है। तो जैसा कि हम कहा गया है कि जो गैस है अगर हम इसको यानी जो हमारी अबव रिएक्शन में जो हमारी कार्बन डाइऑक्साइड गैस है जब हम इसको पास आउट करेंगे,
क्योंकि इस रिएक्शन में हमें क्या मिला, मेटल कार्बोनेट और हाइड्रोजन कार्बोनेट से हमें वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड मिला, और जो बबल्स निकले, इन बबल्स जो थे ये हमारे बबल्स थे कार्बन डाइऑक्साइड गैस के। तो जब हम इस गैस को पास आउट करेंगे क्विक लाइम यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन से, तो जो हमारी कार्बन डाइऑक्साइड गैस है वो कुछ इस तरीके की रिएक्शन करेगी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी कि हमारी क्विक लाइम के साथ, और ये बनाएगी एक वाइड प्रेसिपिटेट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। और इस वजह से जो कि हमारा ये कैल्शियम कार्बोनेट है, जो कैल्शियम कार्बोनेट का एक्वस सॉल्यूशन या लिक्विड है यानी कि लाइम वाटर, ये वाइट कलर का हो जाएगा, थोड़ा मिल्की कलर का हो जाएगा। ऐसा क्यों होगा? ऐसा होगा कैल्शियम कार्बोनेट और वाटर की फॉर्मेशन की वजह से। तो इस एक्टिविटी से हमें क्या पता लगा? इस एक्टिविटी से हमें पता लगा कि जो हमारे मेटल कार्बोनेट्स और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट्स, ये हमारे सोडियम कार्बोनेट और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट्स, एक मेटल कार्बोनेट है और एक मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट है। तो सोडियम जो मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट्स हैं, जब ये एसिड्स के साथ रिएक्ट करते हैं तो ये सोल्ट, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाते हैं। इसके अलावा अगर आपसे किसी एग्जाम में पूछ लिया जाए कि आप कैसे पता लगाएंगे कि दी हुई गैस हमारी कार्बन डाइऑक्साइड है या नहीं, तो इसका सिंपल सा सॉल्यूशन है कि जब आप दी हुई गैस को क्विक लाइम सॉल्यूशन से पास आउट करें और हमारा क्विक लाइम सॉल्यूशन मिल्की कलर का हो जाए, तो इसका मतलब है कि जो हमारी दी हुई गैस है वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्विक लाइम के साथ रिएक्ट करके प्रेसिपिटेट बनाती है कैल्शियम कार्बोनेट का, जिसकी वजह से हमारा जो लाइम वाटर है वो मिल्की कलर का हो जाता है। तो चलिए करते हैं पहले हमारी एक्टिविटी 2.6। तो 2.6 करने से पहले दोस्तों मैं आपको कहना चाहूँगा कि हमारी पूरी वीडियो को जो भी हम बनाते हैं इसको पूरा देखिए ताकि आपको जो हमारे चैप्टर्स हैं वो ईजिली और अच्छे तरीके से समझ में आ जाएँ। तो चलिए करते हैं। तो हमें एक्टिविटी 2.6 में हमें पहले कहा है कि हमें एक टेस्ट ट्यूब में डाइल्यूट जो है NaOH यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन लेना है टेस्ट ट्यूब में, और उसमें कुछ बूंदें डालनी हैं फिनोफ्थलीन सॉल्यूशन की, और हमें ये बताना है कि फिनोफ्थलीन और सोडियम हाइड्रोक्साइड की जो रिएक्शन है उससे सॉल्यूशन का कलर क्या हुआ। तो जब हम फिनोफ्थलीन के सॉल्यूशन की कुछ बूंदें डालते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड में, तो जो हमारा फिनोफ्थलीन का सॉल्यूशन है, जो मिक्सचर हुआ है फिनोफ्थलीन और सोडियम हाइड्रोक्साइड का, उसका जो कलर है वो हमारा पिंक कलर का हो जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि फिनोफ्थलीन जो है ये हमारा कलरलेस सॉल्यूशन होता है, और हम इसको एसिड बेस इंडिकेटर की तरह भी यूज़ कर सकते हैं। तो इसीलिए जब हमारा फिनोफ्थलीन किसी बेस के कॉन्टैक्ट में आता है तो इसका कलर पिंक कलर का हो जाता है, और जो हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड है ये हमारा एक बेसिक सॉल्यूशन होता है। तो इसके बाद इसी एक्टिविटी में इन्होंने कहा कि अब जो हमारा मिक्सचर है इसमें कुछ बूंदे डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl की डालो, और ये बताओ कि क्या कलर में कुछ चेंजेस हुए, अगर वो हुए तो ऐसा क्यों हुआ। तो यस, जब हम अपना हमारा जो पिंक कलर का सॉल्यूशन था इसमें कुछ बूंदे हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी HCl की डालते हैं, तो जो फिनोफ्थलीन डालने की इस वजह से जो हमारा पिंक कलर का सॉल्यूशन हुआ था उसका पिंक कलर डिसअपियर हो जाता है और हमारा जो सॉल्यूशन है वो कलरलेस हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो हमारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड है ये नेचर में एसिडिक होता है, और एसिडिक होने की वजह से ये सोडियम हाइड्रोक्साइड के इफ़ेक्ट को न्यूट्रलाइज कर देता है, क्योंकि एसिड और बेस जब आपस में रिएक्ट करते हैं, यहाँ एसिड आएगा बेस प्लस एसिड, तो एसिड और बेस जब आपस में रिएक्ट करते हैं तो ये सोल्ट और वाटर बनाते हैं, तो एसिड जो है ये उसके इफ़ेक्ट को न्यूट्रलाइज कर देगा, इसीलिए जो हमारा फिनोफ्थलीन सॉल्यूशन है वो न्यूट्रलाइज के साथ रिएक्शन नहीं करता, तो हमारे जो मिक्सचर का कलर है वो वापस से कलरलेस हो जाएगा। इसके बाद इन्होंने कहा है कि उसमें कुछ बूंदे दोबारा से सोडियम हाइड्रोक्साइड की डालो और ये देखो क्या पिंक कलर वापस से रीअपियर हो जाता है। तो यस, पिंक कलर जो है वो दोबारा से रीअपियर हो जाएगा, क्योंकि जो हमारा मिक्सचर था वो हमारा मिक्सचर था न्यूट्रलाइज, और न्यूट्रलाइज मिक्सचर में अगर हम कुछ बूंदे एक किसी बेसिक
बेसिक यानी कि जो हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड है, किसी बेसिक सॉल्यूशन की कुछ बूंदे डालेंगे तो जो न्यूट्रलाइज मिक्सचर था वो दोबारा से उसका नेचर बेसिक हो जाएगा, और बेसिक सॉल्यूशन के साथ जब फिनोफ्थलीन रिएक्ट करता है तो उसका कलर चेंज होके वापस से पिंक कलर का हो जाता है। तो इस पूरी एक्टिविटी की जो बेसिक नोट करने वाली चीज़ थी वो ये थी कि एसिड और बेस, यहाँ पे एसिड आएगा, एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करके सोल्ट और वाटर बनाते हैं तथा एक दूसरे के इफेक्ट को न्यूट्रलाइज कर देते हैं, और ऐसी रिएक्शंस को हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस कहते हैं। तो चलिए अब करते हैं हमारी एक्टिविटी 2.7। तो इसमें हमें कहा है कि कुछ हमें अमाउंट लेनी है कॉपर ऑक्साइड की किसी बीकर में, और इसमें हमें डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड को डालना है स्लोली स्लोली, और ये बताना है कि सॉल्यूशन का कलर क्या होता है, और कॉपर ऑक्साइड की जो रिएक्शन होती है डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ उससे क्या प्रोड्यूस होता है। तो जो हमारा कॉपर ऑक्साइड है ये बेसिकली जो है ये ब्लैक कलर का होता है, लेकिन हाइड्रोक्लोरिक एसिड की रिएक्शन के, हाइड्रोक्लोरिक एसिड से रिएक्ट करने के बाद जो हमारा कॉपर ऑक्साइड है ये कॉपर क्लोराइड और वाटर बनाता है। अब जो हमारा कॉपर क्लोराइड है ये तो वैसे तो ब्राउन कलर का होता है, लेकिन कॉपर क्लोराइड जो है ये वाटर को एब्जॉर्ब करेगा, क्योंकि इस रिएक्शन में वाटर भी बनता है, और वाटर को एब्जॉर्ब करने की वजह से जो हमारा सॉल्यूशन है इसका ग्रीन कलर शो होगा, यानी जो हमारे कॉपर क्लोराइड का एक्वस सॉल्यूशन है या जो कॉपर ऑक्साइड और डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड की रिएक्शन के बाद हमारे पास जो सॉल्यूशन हमें मिलेगा उस सॉल्यूशन का कलर होगा ग्रीन। तो यहाँ से जो नोट करने वाली चीज़ है हमारे 2.7 से वो ये है कि जो मेटल ऑक्साइड्स हैं ये किसी भी एसिड से रिएक्ट करके सोल्ट और वाटर बनाते हैं, ये चीज़ आप नोट कर लीजिए, एग्जाम में ये चीज़ पूछी जाती है। तो चलिए करते हैं हमारी एक्टिविटी 2.8। तो 2.8 में हमें कुछ इस तरीके से बीकर लेना है, और बीकर में हमें यहाँ कॉर्क में दो नेल्स, जो हमारी मेटल की नेल्स होती हैं आयरन की, उन नेल्स को प्लेस करना है, और इस नेल्स के दोनों एंड्स को हमें बैटरी और स्विच के थ्रू एक बल्ब से अटैच करना है। अब क्या करना है, हमारे पास यहाँ चार सॉल्यूशंस दिए हुए हैं, ग्लूकोज, एल्कोहल, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड। हमें इस बीकर में बारी बारी इन चारों सॉल्यूशंस को डालना है, और हमें यह बताना है कि किन केसेस में हमारा जो बल्ब है वो ग्लो करेगा। तो पहले हमने इस एक्टिविटी 2.8 है, इस एक्सपेरिमेंट को हमने डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड और डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ किया, और हमें यह बताना है कि क्या इन केसेस में बल्ब जलेगा। तो यस, इन केसेस में HCl और सल्फ्यूरिक एसिड के केस में जो हमारा बल्ब है वो ग्लो करेगा। वो क्यों करेगा, क्योंकि जो हमारे एसिड्स हैं ये वाटरी सॉल्यूशन में, जो हमारा वाटर है इससे रिएक्ट करके या वाटर में आयनाइज होके H पॉजिटिव आयन जो है वो प्रोड्यूस करते हैं, और जो ये आयन्स होते हैं ये फ्रीली अवेलेबल होते हैं वाटर में, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं, जिसकी वजह से जो हमारा बल्ब है वो ग्लो करने लग जाता है। तो उसके बाद इन्होंने ये बताया है कि इसी एक्सपेरिमेंट को ग्लूकोज और अल्कोहल सॉल्यूशंस के साथ करो, और ये बताओ अब आपने क्या ऑब्जर्व किया। तो जब हम इसी एक्टिविटी को या इस एक्सपेरिमेंट को ग्लूकोज या अल्कोहल के साथ करेंगे तो जो हमारा बल्ब है वो नहीं जलेगा। वो क्यों नहीं जलेगा, वो इसलिए नहीं जलेगा कि जो हमारा अल्कोहल या ग्लूकोज है ये हमारे ऑर्गेनिक्स कंपाउंड है, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है ये वाटर या इनका जो मिक्सचर है उसमें मिलने के बाद आयनाइजेशन नहीं करते, ये आयंस प्रोड्यूस नहीं करते, जिस वजह से जो सॉल्यूशन है वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर पाता, अगर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर पाएगा तो जो हमारा बल्ब है वो ग्लो नहीं करेगा। तो इस एक्टिविटी में जो नोट करने वाली बात थी वो ये है कि जो हमारे एसिड्स हैं ये वाटर के साथ रिएक्ट करके या अपने सॉल्यूशन में जो H पॉजिटिव आयन प्रोड्यूस करते हैं, H पॉजिटिव आयन प्रोड्यूस करने की वजह से जो हमारे एसिड्स हैं ये इलेक्ट्रिसिटी को इजीली कंडक्ट कर पाते हैं, और ये H पॉजिटिव आयन्स एसिड्स की एसिडिक प्रॉपर्टीज के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होते हैं।
तो चलिए करते हैं हमारी एक्टिविटी 2.9। तो 2.9 में हमें क्या करना है, पहले पहला पॉइंट इसमें हमें क्या करना है, हमें एक टेस्ट ट्यूब लेनी है और इसमें कुछ यानी 1 ग्राम सॉलिड सोडियम क्लोराइड डालना है और उसके बाद हमें इसमें कुछ बूंदे या कुछ अमाउंट में कॉन्सनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड यानी कि H2SO4 डालना है और इस टेस्ट ट्यूब में कोर्क की मदद से और एक डिलीवरी ट्यूब लगा देनी है और ताकि ये सील हो जाए और सिर्फ जो भी गैस प्रोड्यूस हो वो इस डिलीवरी ट्यूब के थ्रू बाहर निकले और हमें ये ऑब्जर्व करना है कि क्या कोई गैस इस डिलीवरी ट्यूब से बाहर कमिंग आउट होती है। तो जब हमारा सोडियम क्लोराइड है ये कॉन्सनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो रिएक्शन कुछ इस तरीके की होगी, यहाँ आपको रिएक्शन दी हुई है। तो रिएक्शंस करेंगे तो जो हमारा पहला प्रोडक्ट होगा वो होगा Na2SO4 यानी सोडियम सल्फेट और जो HCl है यानी जो हमारा सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला है तो इसमें सल्फ्यूरिक एसिड जो है वो गैस प्रोड्यूस होगी, हाइड्रोक्लोरिक गैस। इसमें जो है सोडियम हाइड्रोक्लोरिक एसिड लिक्विड फॉर्म में नहीं प्रोड्यूस होगा, एक गैस प्रोड्यूस होगी HCl की। अब इन्होंने कहा है कि उस गैस को एक ड्राई और वेट ब्लू लिटमस पेपर के पास लेके जाओ तो क्या हमारे लिटमस पेपर का कलर चेंज होगा। अगर हम इस गैस को जो हमारा वेट लिटमस पेपर है, जो हमारा गीला लिटमस पेपर है उसके पास लेके जाएंगे तो जो हमारे लिटमस पेपर का कलर है वो रेड हो जाएगा, लेकिन जो हमारा ड्राई लिटमस पेपर है उसका कलर चेंज नहीं होगा। ऐसा क्यों होगा, हमने अभी एक्टिविटी 2.8 की थी कि जो हमारे एसिड्स हैं वो वाटर में आयनाइज होकर एच पॉजिटिव आयन प्रोड्यूस करते हैं तो इसीलिए जो वेट लिटमस पेपर है उसमें वाटर की प्रेजेंस होने की वजह से जो हमारा HCl है, HCl गैस, ये वाटर के साथ मिक्स होकर जो है एच पॉजिटिव आयन प्रोड्यूस करेगी और एच पॉजिटिव आयन प्रोड्यूस करने की वजह से जो हमारा वेट लिटमस पेपर है इसका कलर चेंज हो जाएगा। इसके बाद इन्होंने पूछा है कि इस एक्टिविटी के बेसिस पर आप क्या कह सकते हैं ड्राई HCl और HCl सॉल्यूशन की एसिडिक करैक्टर के बारे में। तो जो हमारा लिटमस पेपर है ये वर्क करता है H पॉजिटिव या OH नेगेटिव आयंस के, अगर H पॉजिटिव आयंस हैं तो जो हमारा सॉल्यूशन है वो एसिडिक नेचर का होगा और अगर OH नेगेटिव आयंस हैं तो जो सॉल्यूशन है वो हमारा बेसिक नेचर का होगा। अब जो ड्राई HCl गैस है जो हमारे इस रिएक्शन में प्रोड्यूस हुई थी ये H पॉजिटिव आयन प्रोड्यूस नहीं कर सकती तो इसीलिए जो ड्राई HCl गैस है ये पेपर का कलर चेंज नहीं कर सकती। दूसरी तरफ जो हमारा HCl सॉल्यूशन है ये वाटर के साथ मिक्स है, इसमें वाटर की कुछ अमाउंट होती है इसलिए जो हमारा HCl सॉल्यूशन है ये आयंस को प्रोड्यूस कर सकता है और इस वजह से जो हमारा लिटमस पेपर है ब्लू लिटमस पेपर वो रेड कलर का हो जाता है। तो इस एक्सपेरिमेंट से हमने क्या सीखा, इस एक्सपेरिमेंट से हमने सीखा जो हमारे हाइड्रोजन आयंस हैं या एच पॉजिटिव या OH नेगेटिव आयंस हैं ये जो हमारे आयंस हैं ये वाटर की प्रेजेंस में ही रह सकते हैं। अगर वाटर प्रेजेंस नहीं है तो हमारे हाइड्रोजन आयंस एलोन एग्जिस्ट नहीं कर सकते, यानी कि जो हाइड्रोजन आयंस हैं ये ऑलवेज अपनी एच पॉजिटिव एक्वस फॉर्म में या फिर हाइड्रोनियम आयन की फॉर्म में जो है वाटर में प्रेजेंस होते हैं, जिस वजह से जो हमारा एसिड है वो एसिडिक नेचर शो करता है। उसी तरीके से जो हमारे बेस हैं, हमारे जो बेस हैं ये OH नेगेटिव आयन्स प्रोड्यूस करते हैं वाटर में, जिस वजह से जो हमारे बेस हैं ये बेसिक नेचर के होते हैं और ऐसे बेसिस जो वाटर में सोल्यूबल होते हैं उनको हम एल्कलाई कहते हैं, यानी कि जो एल्कलाई होते हैं ये बेसिक नेचर के होते हैं, और वाटर में सोल्यूबल होते हैं। तो चलिए अब करते हैं हमारी एक्टिविटी 2.10। 2.10 में इन्होंने कहा है कि एक बीकर में 10 ml की अमाउंट में वाटर लेना है और इसमें कुछ बूंदें डालनी है हमें डाइल्यूट H2SO4 की, वो भी धीरे धीरे से बूंदें डालनी है और बीकर को स्लोली स्लोली स्विर्ल करते रहना है। उसके बाद इन्होंने कहा है बीकर के बेस को टच करके देखो और बताओ क्या आपको टेम्परेचर में कुछ चेंजेस महसूस होते हैं, अगर होते हैं तो ये बताओ कि जो प्रोसेस है वो एक्सोथर्मिक है या एंडोथर्मिक प्रोसेस है।
तो एक्टिविटी के सॉल्यूशन से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि हम ऐसा क्यों करते हैं, क्यों हम किसी भी रिएक्शन में कॉन्सेंट्रेटेड एसिड का या कॉन्सेंट्रेटेड बेस का यूज़ नहीं करते हैं। तो किसी भी एसिड या बेस में वाटर को मिक्स करना क्यों होता है, क्योंकि हम उसमें जो हमारे एसिड्स या बेसिस होते हैं ये काफ़ी ज़्यादा हाईली कॉन्सेंट्रेटेड होते हैं। हम इनको डायरेक्ट यूज़ करें तो ये हमारी स्किन के लिए काफ़ी या जो भी चीज़ उसके कॉन्टैक्ट में आती है उसके लिए काफ़ी ज़्यादा हार्मफुल हो सकते हैं। इसीलिए हम इसमें पानी को मिक्स करते हैं। मिक्स करने से क्या होता है, हम इनमें एच पॉजिटिव या ओ एच नेगेटिव आयन्स की कॉन्सेंट्रेशन को कम कर देते हैं। और कम करने से क्या होता है कि जो हमारा कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 है ये डाइल्यूट हो जाता है। इस प्रोसेस को हम कहते हैं डाइल्यूशन, और एसिड और बेसिस को हम कहते हैं डाइल्यूटेड। तो अब हम बात करते हैं हमारी एक्टिविटी की। तो जब हम इसमें कुछ बूंदें डालेंगे H2SO4 की, तो जो हमारा बीकर है वो गर्म हो जाएगा, क्योंकि जो हमारा डाइल्यूशन का प्रोसेस है, मैंने आपको बताया डाइल्यूशन का प्रोसेस क्या है, इसमें हम वाटर को मिक्स करते हैं किसी भी एसिड या बेस में, तो ये हमारा जो प्रोसेस है ये काफ़ी ज़्यादा एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है, और एक्सोथर्मिक रिएक्शन की वजह से इसमें काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में हीट प्रोड्यूस होती है, और इस हीट की वजह से ही जो हमारा बीकर है वो गर्म हो जाता है। इसीलिए कहा जाता है कि हमेशा एसिड या बेस को वाटर में डालना चाहिए धीरे धीरे, ना कि वाटर को एसिड या बेस में। डाइल्यूशन का जब भी प्रोसेस करें तो हमेशा पानी लें और उसमें एसिड या बेस की जिसको भी आपको डाइल्यूट करना है उसकी बूंदें धीरे धीरे डालें और वाटर को स्लोली स्टिर करते रहें, ना कि एसिड लेके उसमें पानी को मिक्सचर करें। क्योंकि अगर आप ऐसा करते हैं तो जो प्रोसेस है वो काफ़ी ज़्यादा एक्सोथर्मिक होगा, और इस वजह से जो हीट जनरेट होती है वो काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में हीट जनरेट हो सकती है, और हो सकता है कि जो मिक्सचर है वो बीकर से बाहर निकल जाए, स्प्लैश आउट हो जाए, जिससे मे बी आपको स्किन बर्न हो जाए। इसके अलावा ऐसा भी हो सकता है कि इतनी ज़्यादा अमाउंट में हीट प्रोड्यूस हो कि जो ग्लास कंटेनर जो बीकर है वो ही उस हीट की वजह से ब्रेक डाउन हो जाए। तो एक्टिविटी 2.11 में हमें क्या करना था, इन्होंने 2.11 में हमें एक टेबल दी थी जिसमें कुछ सॉल्यूशंस दिए हैं और हमें इनकी पीएच वैल्यू का पता लगाना था, और ये बताना था कि पीएच पेपर के साथ रिएक्ट करके पीएच पेपर जो हमारा जिससे हम एसिड या बेसिस का पता लगाते हैं उसके कलर पे इन सॉल्यूशंस का क्या इफेक्ट होगा, और साथ ही हमें सॉल्यूशन का नेचर का पता लगाना है। पीएच पेपर के बारे में अभी हमने ऊपर वाली एक्टिविटीज़ में किया था, और जो भी पीएच वैल्यूज़ हैं ये मैंने यहाँ लिख दी हैं, आप इसे नोट कर सकते हैं ताकि आपके एग्ज़ाम्स में भी काम आए। अब नेचर ऑफ सॉल्यूशन की बात करते हैं, तो नेचर ऑफ सॉल्यूशन में ऐसा है जो हमारा पीएच वैल्यू है इसका यूज़ करते हैं हम ये पता लगाने के लिए कि जो हमारा कोई सॉल्यूशन है वो एसिडिक नेचर का है या बेसिक नेचर का। अगर किसी सॉल्यूशन की पीएच वैल्यू 7 से ज़्यादा आती है तो यानी कि जो हमारा वो सॉल्यूशन है वो बेसिक नेचर का है। फॉर एग्जांपल सलाइवा, जो हमारा सलाइवा है इसकी पीएच वैल्यू है 7.4, तो यानी कि इसका जो नेचर होगा ये होगा बेसिक। उसी तरीके से अगर पीएच वैल्यू हमारी आती है राइट अराउंड 7, तो जो हमारा सॉल्यूशन है वो ना ही हमारा बेसिक होगा ना ही हमारा एसिडिक होगा। 7 जो है वो न्यूट्रल वैल्यू होती है, ना ही एसिडिक होती है ना ही बेसिक। उसके बाद अगर हमारे किसी सॉल्यूशन की वैल्यू 7 से कम आती है तो जो हमारा वो सॉल्यूशन है वो हमारा एसिडिक नेचर का होगा। फॉर एग्जांपल लेमन जूस, इसकी पीएच वैल्यू है 2.2, तो यानी कि ये जो हमारा सॉल्यूशन है ये हमारा एसिडिक सॉल्यूशन है। तो अब यहाँ पे बाकी पीएच वैल्यूज लिखी हुई हैं, आई थिंक ये एक्टिविटी जो है ये आप अपने आप कर सकते हैं अगर आपने हमारी पुरानी जो वीडियोज़ हैं वो देखी हैं। तो चलिए करते हैं हमारी एक्टिविटी 2.12। तो 2.12 एक्टिविटी में इन्होंने हमें कहा है कि हमें 2 ग्राम या 2 ग्राम के अराउंड सोइल लेनी है, इसमें वाटर मिक्स करके इसमें जो कंटेंट्स हैं उसको साफ करके जो सोइल है उसको कलेक्ट करना है फिल्ट्रेट को, और इस फिल्ट्रेट की जो है पीएच वैल्यू को हमें चेक करना है किसी भी यूनिवर्सल इंडिकेटर के द्वारा, और हमें ये बताना है कि जो हमारी सोइल है उसकी पीएच वैल्यू क्या है, और प्लांट्स की ग्रोथ के लिए एक आइडियल पीएच वैल्यू क्या होनी चाहिए, सोइल की एक आइडियल पीएच वैल्यू क्या होनी चाहिए।
तो जो नॉर्मल सॉइल है उसकी पीएच वैल्यू होती है 5.5 टू 7.5, इस रेंज में जो पीएच वैल्यू है वो होती है। और इसको जब हम पीएच पेपर से चेक करते हैं तो ये ग्रीन कलर शो होता है। तो यहाँ पे इन्होंने हमें क्यों कहा कि हमें जो पीएच वैल्यू किसी सॉइल के लिए आइडियल या प्लांट की ग्रोथ के लिए आइडियल पीएच वैल्यू क्या है, क्योंकि जो सॉइल की पीएच वैल्यू है ये प्लांट्स की ग्रोथ में काफ़ी ज़्यादा बड़ा इम्पोर्टेंट फैक्टर होता है। क्योंकि जो ज़्यादातर प्लांट्स हैं ये ग्रो करते हैं 5 टू 7.5 की पीएच रेंज में। अगर हमारी जो सॉइल है वो ज़्यादा ही एसिडिक हो जाए या ज़्यादा ही बेसिक हो जाए तो जो प्लांट्स हैं वो ग्रो नहीं कर पाएंगे। इसीलिए हमें पीएच सॉइल की पीएच वैल्यू को चेक कराते रहना चाहिए और उसको अपनी जो हमारी क्रॉप है या जो हमारे प्लांट्स हैं उनके हिसाब से एडजस्ट करते रहना चाहिए। तो फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे हमारा फॉस्फेट फर्टिलाइज़र है, ये फॉस्फेट फर्टिलाइज़र क्या करता है, ये सॉइल की में जो एसिडिक है एसिडिटी है उसको बढ़ा देता है। यानी अगर सॉइल बेसिक नेचर की है तो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए उसमें बेसिक जो उसका वैल्यू है उसका पीएच को कम करने के लिए हम उसमें अगर फॉस्फेट फर्टिलाइज़र मिलाएंगे तो हमारी सॉइल एसिडिक नेचर की हो जाएगी। उसी तरीके से यदि सॉइल हमारी एसिडिक नेचर की है तो उसमें पोटेशियम फर्टिलाइज़र मिलाने से जो ये हमारी सॉइल है ये पोटेशियम फर्टिलाइज़र उसके इफ़ेक्ट को न्यूट्रलाइज कर देता है। तो अब आपको पता लग गया कि सॉइल की पीएच वैल्यू क्यों ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है प्लांट्स की ग्रोथ के लिए। तो इसके बाद हमारी एक्टिविटी 2.13 एक्टिविटी में इन्होंने हमें कुछ सॉल्ट्स दिए हैं और हमें ये पता लगाना था कि जो हमारे सॉल्ट्स हैं वो किस फैमिली को बिलोंग करते हैं। तो फैमिली से मैं कैसे बिलोंग करते हैं, क्योंकि जो हमारे एसिड्स या बेसिस हैं मैंने इनको टेबल की फॉर्म में लिखा है ताकि आपको इजीली समझ में आ जाए। तो जो हमारे एसिड्स और बेसिस हैं ये आपस में रिएक्ट करके सॉल्ट और वाटर प्रोड्यूस करते हैं। तो कोई सॉल्ट हमारा किस एसिड या किस बेस के रिएक्ट करने से बना है इसका पता लगा के हम इजीली बता सकते हैं कि जो हमारे सॉल्ट्स हैं वो किस फैमिली को बिलोंग करते हैं। फॉर एग्जांपल हमारा पोटेशियम जो सॉल्ट सल्फेट है ये हमारा सॉल्ट पोटेशियम सॉल्ट की फैमिली को बिलोंग करता है और सल्फेट सॉल्ट्स की फैमिली को बिलोंग करता है। उसी तरीके से हमारा सोडियम सल्फेट जो सॉल्ट है ये हमारा सोडियम सॉल्ट और सल्फेट सॉल्ट्स इन दो फैमिलीज को बिलोंग करता है। उसी तरीके से हमारा सोडियम नाइट्रेट ये जो हमारा सॉल्ट है ये सोडियम फैमिली और नाइट्रेट सॉल्ट्स फैमिली को बिलोंग करता है। अमोनियम क्लोराइड सॉल्ट जो है ये हमारा अमोनियम सॉल्ट्स की फैमिली को और क्लोराइड सॉल्ट्स की फैमिली को बिलोंग करता है। उसी तरीके से सभी सॉल्ट्स की यहाँ मैंने फैमिलीज को लिखा हुआ है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या इसको नोट कर सकते हैं। और वीडियो अगर पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर करते रहिए, करेंगे अब हम एक्टिविटी अपनी अगली। तो हमारी नेक्स्ट एक्टिविटी है एक्टिविटी 2.15 एक्टिविटी में इन्होंने हमें कहा है कि हमें कुछ क्रिस्टल्स लेने हैं ड्राई कॉपर सल्फेट के, इन्हें एक बॉइलिंग ट्यूब में डालना है और हमें ये बताना है कि जब हम इन कॉपर सल्फेट क्रिस्टल्स को हीट करेंगे तो हीट करने के बाद कॉपर सल्फेट सॉल्यूशंस का जो कलर है वो किस तरह का हो जाएगा, और साथ ही क्या आपको बॉइलिंग ट्यूब पर कुछ वाटर ड्रॉपलेट्स दिखती हैं, और अगर दिखती हैं तो ये वाटर कहाँ से आया। तो मोस्टली क्या समझा जाता है कि जो क्रिस्टल्स हैं वो ड्राई होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता। जो हमारा कॉपर सल्फेट का क्रिस्टल है ये हवा से जो मॉइस्चर है उसको एब्जॉर्ब करके अपना हाइड्रेट बनाता है, और हाइड्रेट बनाने की वजह से जो हमारा कॉपर सल्फेट क्रिस्टल होता है ये यूजुअली जो है ये हमारा ब्लू कलर का होता है। जब भी हम इसको मोस्टली रूम में या एयर में या रूम टेम्परेचर पे जो हमारा कॉपर सल्फेट का क्रिस्टल होता है ये हमारा ब्लू कलर का होता है। लेकिन जब हम कॉपर सल्फेट क्रिस्टल को गर्म करते हैं तो गर्म करने से क्या होता है, जो कॉपर सल्फेट का जो हमारा हाइड्रेट होता है जो क्रिस्टल फॉर्म में जिसमें वाटर भी मिक्स होता है उसका जो वाटर है वो इवेपोरेट हो जाता है, वाटर इवेपोरेट हो जाता है, जिस वजह से जो हमारा कॉपर सल्फेट का जो क्रिस्टल है वो कलरलेस हो जाता है। और जो वाटर है उस वही वाटर जो कॉपर सल्फेट क्रिस्टल में है आप उसी वाटर की कुछ जो ड्रॉप्स हैं वो टेस्ट ट्यूब में
देख सकते हैं। टेस्ट ट्यूब में आपको जो टेस्ट ट्यूब की जो हमारी सरफेस होगी उस पर आपको वाटर की वो कुछ ड्रॉप्स जो इवेपोरेट हुआ है कॉपर सल्फेट क्रिस्टल से वो आप देख सकते हैं टेस्ट ट्यूब पर। उसके बाद इन्होंने कहा है अब इसी सल्फेट क्रिस्टल में कुछ बूंदे 2 to 3 ड्रॉप्स वाटर की डालो तो क्या होगा, यानी तो आप क्या ऑब्जर्व करें, क्या ब्लू कलर जो है वापस रिस्टोर हो जाएगा। तो जो हमने हीट किया था कॉपर सल्फेट क्रिस्टल को तो जो वाटर था वो जो है इवेपोरेट हो गया था, जिस वजह से हमारा कॉपर सल्फेट क्रिस्टल जो है वो कलरलेस हो गया था। लेकिन जब हम इसमें दोबारा से जो हमारा डिहाइड्रेटेड वाटर ना होने की वजह से हमारा कॉपर सल्फेट क्रिस्टल डिहाइड्रेट हो गया था, ये वापस से वाटर को रीगेन कर लेता है और रीगेन करने की वजह से हमारा कॉपर सल्फेट क्रिस्टल दोबारा से हाइड्रेट हो जाता है और हाइड्रेट होने की वजह से ये अपने कलर को भी वापस से रिस्टोर कर लेता है और ये वापस से ब्लू कलर का हो जाता है। तो यहाँ पे हमारी एक्टिव 2.15 कंप्लीट होती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर जरूर करें। आज की वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।